पे डिस्काउंट। ये कंपनी आईपीओ के जरिए 3,600 करोड़ रुपए मोबिलाइज करने जा रही है और एक वेलकम रिलीफ, कोई ओएफएस का कंपोनेंट नहीं है, सारा का सारा फ्रेश इश्यूएंस है और इस पैसे का इस्तेमाल होगा 1900 करोड़ रुपए केपेक्स में अगले 3 सालों में, जिसमें एडिबल ऑयल्स और फूड के बिजनेस को और विस्तार करेगी कंपनी, डेट को रीपे करेगी, 1,060 करोड़ रुपए की डेट रीपे होगी, यानी कि इस समय ग्रॉस डेट है 2200 करोड़ रुपए की, आधी डेट हो जाएगी और 450 करोड़ रुपए स्ट्रेटेजिक इन्वेस्टमेंट्स के लिए इसने रखा हुआ है। 30,000 करोड़ रुपए का मार्केट कैप अपर बैंड पे ये कंपनी ट्राई कर रही है, एम कर रही है। अब है क्या, देश का नंबर वन ब्रांडेड ऑयल कंपनी कह लीजिए जो जानी जाती है अपने फॉर्च्यून ब्रांड के लिए, और डोमिनेंस देखिए 17% का मार्केट शेयर है इसका एडिबल ऑयल मार्केट का, और जो नियरेस्ट कॉम्पिटिटर है रुचि सोया उसका मार्केट शेयर केवल 8% का है। यह है बिजनेस, 1999 में शुरुआत हुई थी, एक ज्वाइंट वेंचर था अदानी ग्रुप और सिंगापुर के विल्मर ग्रुप के बीच में, जो कि एशिया की वन ऑफ द लीडिंग एग्री बिजनेस ग्रुप्स में से एक है। इस कंपनी का पोर्टफोलियो में एडिबल ऑयल है जो कुल रेवेन्यूज का 82% कंट्रीब्यूट करता है। इस कंपनी के पोर्टफोलियो में दूसरा इंपॉर्टेंट पार्ट है पैकेज फूड्स का, बेसिकली ये जो फॉर्च्यून ब्रांड था उसको एक्सटेंड करा था फूड स्टेपल्स में, तो राइस व्हीट फ्लावर दाल वगैरह में 5% रेवेन्यूज वहां से आते हैं और 13% आते हैं इंडस्ट्री एसेंशियल से, नॉन ब्रांडेड इंडस्ट्री में ओलियो केमिकल्स कैस्टर ऑयल डेरिवेटिव्स वगैरह ये बेचती है। ये बिजनेस प्रोफाइल, प्रमोटर्स का फिलहाल 100% स्टेक है, सक्सेसफुल कंप्लीशन हुआ आईपीओ का तो प्रमोटर्स का स्टेक रिड्यूस होकर करीब 88% पे आएगा, 5500 से ज्यादा डिस्ट्रीब्यूटर्स इस देश में, फाइनेंशियल्स आपकी स्क्रीन पर आ जाएंगे उस पर नहीं जा रहा हूं मैं, और 65 शेयरों का लॉट, एक लॉट के लिए 14,950 रुपए सेल करने होंगे और हम रिटेल अधिकतम 13 लॉट्स के लिए अप्लाई कर सकते हैं और कैलकुलेशन कहता है 8 फरवरी को इसकी लिस्टिंग का दिन होगा। तो आशीष जी, जो भी आप चेक बॉक्सेस कर सकते थे इशू की अच्छाई में वो सब है, पैसा कंपनी के काम आएगा स्ट्रेटेजिक इन्वेस्टमेंट्स, डेट कम करने के लिए और बिजनेस बढ़ाने के लिए, प्राइस बैंड भी ठीक है, कोई ऐसा दिक्कत वाला नहीं है, एक वैल्यूएशन की प्लेट है कंपैरिजन वाली, जब आप लोग डिस्कशन करेंगे तो ग्राफिक्स टीम उसे फायर भी कर देगी। चलिए तो अब ऐसा करते हैं, हमारे साथ अखिल राठी साहब जुड़ चुके हैं, मारवाड़ी शेयर्स एंड स्टॉक ब्रोकिंग के, आप अपनी राय देंगे अदानी विल्मार पर। नमस्कार अखिल जी, बताइए पैसा हमारे निवेशक इसमें डालें या नहीं? गुड मॉर्निंग शेष जी, आफ्टर लॉन्ग टाइम आईपीओ आ रहा है, सो अडानी विल्मर में इन्वेस्टर्स को पैसा डालना चाहिए। अगर मैं कंपनी स्पेसिफिक बात करूंगा, एक ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है अडानी विल्मर का। अगर शुरुआत करेंगे 1999 में, अगर ये कंपनी शुरुआत हुई थी तो एडिबल ऑयल में पूरा इसका फोकस था, बट 2013 के बाद कंपनी अपना फूड एफएमसीजी कंपनीज में, फूड के प्रोडक्ट्स में कंपनी पूरा फोकस कर रही है, तो कंपनी का पूरा शिफ्ट हो रहा है फूड प्रोडक्ट्स में भी। अगर मैं रेवेन्यूज की बात करूंगा लास्ट 2 साल में, अगर 3 साल में हम लोग देखेंगे FY19 से FY21 के बीच में रेवेन्यू करीबन 14% से ग्रो हुआ है, एबिटा 7% से ग्रो हुआ है, रिटर्न ऑन इक्विटी करीबन 22% के आसपास है, तो एक ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है कंपनी में। अगर जैसे आशीष जी ने बताया मार्केट शेयर करीबन 17 से 18% है एडिबल ऑयल में, जो उनका फॉर्च्यून का एक मेजर ब्रांड है, इसमें 50% मार्केट शेयर रीजनल ब्रांड्स रखते हैं, तो जिस हिसाब से हम लोगों ने कोविड के टाइम पे भी देखा लोग थोड़ा पैक प्रोडक्ट्स की तरफ, ऑर्गेनाइज प्रोडक्ट्स की तरफ फोकस कर रहे हैं, तो यहाँ पे कंपनी को एक स्कोप है आगे बढ़ने के लिए। और अगर हम लोग बात करेंगे जो कंपनी का रॉ मटेरियल है वो मेजर इंपोर्ट होता है, तो वहां पे कंपनी को थोड़ा रिस्क रहता है इन टर्म्स ऑफ कॉस्टिंग, बट वहां पे उनको विल्मर से अच्छा सपोर्ट मिलता है, बिकॉज 30% से ज्यादा वो लोग अपना प्रोडक्ट विल्मर के थ्रू ही इंपोर्ट कर लेते हैं, तो वहां पे उनको एक बेनिफिट मिल जाता है। तो अगर कंपनी इज वेल पोजिशनड टू फॉर एक्सपेक्टेड ग्रोथ, कंपनी का जैसे आशीष जी ने बताया डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क बहुत स्ट्रांग है एंड एक ब्रांड नेम भी बहुत स्ट्रांग है फॉर्च्यून का, आज हम लोग देखेंगे तो घर घर में फॉर्च्यून के ऑयल का है। और अगर वैल्यूएशन की बात करेंगे तो वो बहुत इंपॉर्टेंट है, वैल्यूएशन में देखेंगे अखिल जी बहुत ही संक्षेप में बताइए, ये जो 3600 करोड़ का आईपीओ है आप क्या उम्मीद लगाते हैं, कितने गुना ओवर सब्सक्राइब होगा? देखिए सब्सक्रिप्शन वाइज भी अच्छा सब्सक्रिप्शन एक्सपेक्टेड है, बट जिस हिसाब से अभी इक्विटी मार्केट्स की थोड़ी हालत है ऑन बैक ऑफ ग्लोबल फ्रंट, तो थोड़ा एक्सपेक्टेड है कि थोड़ा कम रहेगा, बट मेरा अनुमान है करीबन 3 से 4 गुना तो ये बढ़ना ही चाहिए ऑन द रिटेल साइड। और अगर वैल्यूएशन बात करेंगे करीबन 38 टाइम्स के आसपास ये लिस्ट होगा बेस्ड ऑन TTM EPS ऑफ अराउंड 6 टाइम्स, सो अगर देखेंगे तो एक अच्छा लिस्टिंग गेन भी एक्सपेक्टेड है, बट थोड़ा मार्केट खराब है उसकी वजह से थोड़ा डाउन हो सकता है। चलिए आपको एक संक्षेप में देखें राय मिली इस पर। दोस्तों देश के नंबर वन ब्रोकर जीरोधा में डीमैट अकाउंट ओपन कराए, जहां पर आपका ब्रोकरेज कुछ भी नहीं लगेगा, ब्रोकरेज लगेगा तो सिर्फ इंट्राडे पे लगेगा, वो भी सिर्फ 20 रुपया। तो जीरोधा में डीमैट एंड ट्रेडिंग अकाउंट खोलने का लिंक वीडियो डिस्क्रिप्शन बॉक्स।